नमस्ते, स्वागत है कल्पना की स्वादिष्ट रसोई में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी फलहारी नमकीन। तो फ्रेंड, फलहारी अभी नवरात्र आ रहा है और मैक्सिमम बहुत सारे लोग माता रानी का व्रत रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता होता कि ये मूंगफली कैसे भूनना है या मखाना, तो अलग ही तरीके से बनाते हैं, कुछ नया है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हमने ले रखा है 1/2 किलो मूंगफली है और 50 ग्राम तक मखाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे काली मिर्च है, सेंधा नमक है और घी है। तो चलिए हम आज फलहारी नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो ये कढ़ाई ली हुई है मैंने और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी। देसी घी का प्रयोग करना है व्रत में जब भी करना है। और यहाँ पे फिर हम डाल देंगे मूंगफली। तो फ्रेंड्स, हमने मूंगफली को डाल दिया है और देखिए गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, बिल्कुल स्लो रखनी है। और 10 से 15 मिनट तक, जब तक मूंगफली में चट चट की आवाज़ नहीं आने लगती है, हमें इसको भूनते रहना है। तो चलिए 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में बिल्कुल धीरे धीरे, इस हिसाब से हमको पहले मूंगफली को रोस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मूंगफली और मखाना बहुत ही हेल्दी रहता है और इसमें तो मूंगफली में आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है और मखाने में कैल्शियम। तो व्रत में अगर हम ऐसे नमकीन बना के रख लेते हैं, ये 10 से 15 दिन तक आराम से चलती है। नवरात्र के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है ये बना के रखना। पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि गैस हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखनी है, नहीं तो मूंगफली ऊपर से काली पड़ जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो फिर इसमें बहुत अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तो मूंगफली और मखाने की नमकीन बनाते समय हमें सबसे पहले मूंगफली को 10-15 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है। तो इसे हम ऐसे स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे रोस्ट करते रहेंगे। तो ये देखिए, इसमें चट चट की आवाज़ आने लगी है। आ रही है ना ऐसी आवाज़? ऐसी ही आवाज़ आएगी। और ऐसे सारी मूंगफली बिल्कुल जब हम कढ़ाई में ऐसे डालेंगे तो बिल्कुल करारी आने लगेगी। तो फ्रेंड्स, अभी 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे अपने मखाने को। मखाना आप अलग भी भून सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही हल्का रहता है, तो उसको स्लो फ्लेम में 5 मिनट में वो रोस्ट हो जाता है। तो हम इसी के साथ मखाने को भून लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं मखाने को। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे मखाने को भी डाल दिया है और मखाने के साथ भी हम मूँगफली को 5 मिनट तक और भूंजेंगे, जिससे कि गैस की फ्लेम, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग याद रखिएगा कि बिल्कुल स्लो रखना है। और हमें इसे मखाने को भी 5 मिनट तक मूँगफली के साथ ही रोस्ट कर लेना है स्लो फ्लेम पे। तो चलिए इसे 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे, और अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से मूँगफली जल जाएंगी और मखाना भी जल जाएगा। तो हमको धीरे धीरे इसको ऐसे रोस्ट करते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये जो काली मिर्च के दाने हैं, इसको और 1/2 टेबल स्पून सेंधा नमक का हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो नमक आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए इसको पीस लेते हैं और उसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, काली मिर्च और सेंधा नमक पीस चुका है। अब हम 1 टेबल स्पून इस मखाने में और मूंगफली में डाल देंगे और डाल करके 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है, तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी रहता है। आप एक दिन बनाएंगे और इसको 10 दिन तक माता रानी के व्रत में, किसी भी व्रत में आप खा सकते हैं। तो 2 मिनट फ्रेंड्स हो चुके हैं, चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे कढ़ाही में ठंडा होने तक छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है। ये देखिए आवाज़ आ रही है, और मूँगफली भी। तो चलिए अब इसको एक कटोरे में, हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, नवरात्र के स्पेशल और व्रत फलहारी बन के रेडी हो चुका है नमकीन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकॉन के बटन को ऑल पे करें, जिससे कि सारी रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ ट्राई।